हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी बार बार इंश्योरेंस से रिलेटेड फ़ोन कॉल्स आते हैं? या आपके जान पहचान में कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए परेशान कर रहा है? तो क्या है आपका जवाब? यस, हाँ। तो याद आ गया ना उसका चेहरा? तो ये भी याद आ गया होगा कि किस तरह आपने कई बहाने बनाकर उन्हें मना किया होगा, और कई बार तो आपने बहुत सख्त लहजे में भी बात की और बातों बातों में ये भी जता दिया कि आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और कुछ दिन बाद वो फिर आ गए, किसी न किसी बहाने से आपको इंश्योरेंस का फ़ायदा समझाने लगे। अच्छा, तो कभी आपने सोचा है कि वो आपके पास क्यों आते हैं? क्या कहा, कमीशन की वजह से? तो एक बात बताइए, अगर आपने उनसे इंश्योरेंस नहीं खरीदा तो क्या वो औरों को नहीं बेचेगा? मेरा मतलब है, आप तो उनके लिए एक इंसान हैं, और ये दुनिया इंसानों से भरी पड़ी है। दुनिया में इंसानों की कमी तो है नहीं, आप नहीं तो कोई ना कोई उनकी सेल तो ज़रूर कंप्लीट करवाएगा। पर फिर भी वो आपको अप्रोच करते हैं, आपको बीमा लेने की सलाह देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार के सच्चे वेल विशर हैं। क्योंकि एक इंश्योरेंस एजेंट जानता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं, और अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आपके परिवार को दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। और एक इंश्योरेंस एजेंट की छोटी से बेनिफिट में आपके और आपके परिवार का बहुत बड़ा बेनिफिट छुपा हुआ होता है, और कई बार तो आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी चोट कर देते हैं। पर फिर भी वो आपके पास आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बुरे वक्त में आपको या आपके परिवार की सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी तरीके से नुकसान हो, और यही जिंदगी की सच्चाई है। इस संसार में हर दुकानदार अपने सामान का प्रचार करता है, शॉपिंग मॉल्स मैसेजेस करके फ़ोन करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तब आप परेशान नहीं होते? तो फिर जब एक बीमा सलाहकार आपको अपने नए बीमा योजना के बारे में बताता है, तब इतनी नाराज़गी क्यों? क्यों आपके पास 10 मिनट का भी वक्त उस इंसान के लिए नहीं होता जो सिर्फ आपके परिवार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करने आता है? जबकि वीकेंड पर किसी मूवी के आप आसानी से 3 घंटे दे देते हैं, तो फ्रेंड्स सोचिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, यहाँ हम किसी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहे हैं, पर हर प्रोफेशन में आपकी तकलीफ से ही दूसरों की इनकम होती है। आपके यहाँ पानी नहीं है तो आपको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, आपके बच्चे घर पे अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ट्यूटर को लगवाना पड़ेगा, आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मतलब आपकी परेशानी से ही दूसरों की इनकम जुड़ी हुई है। लेकिन एक बीमा सलाहकार इंश्योरेंस एजेंट की इनकम आपकी सलामती और आपकी अच्छी हेल्थ से जुड़ी है, इसलिए हर बीमा सलाहकार आपकी अच्छी हेल्थ और लाइफ की दुआ करता है। वो जब भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं तो अपने परिवार के साथ साथ आपके परिवार की भी सलामती के लिए प्रेयर करते हैं। ये सच है कि किसी इंसान को वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते, लेकिन ये भी सच है कि इंसान के जाने के बाद उसका परिवार इसी दुनिया में रह जाता है। उनके परिवार को कई ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये वही परिवार है जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ा होता है। इंसान के जाने के बाद कर्ज यानी पहला दिया हुआ पैसा मांगने वाले सबसे पहले आ जाते हैं, पर मदद करने वाला सिर्फ एक ही आता है, वो है आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र। जब सब पैसा मांग रहे होते हैं तो वही आपके घर इंश्योरेंस के क्लेम का चेक लेके आता है। तो अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगी हो तो अपने बीमा अभिकर्ता को आज ही समय दें और पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।